नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नर्सिंग केयर क्लब के पैरामेडिकल के ऑनलाइन सेक्शन में। दोस्तों, इस सेक्शन में हम डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के सेकंड ईयर कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप सबका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपने कोर्स को शुरू करता हूँ। आज हम मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं लीडरशिप के बारे में कि लीडरशिप होती क्या है। लीडरशिप दूसरों को मोटिवेट करने की एबिलिटी है जिससे कि वे स्पेसिफिक गोल या विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्क कर सके। लीडरशिप करने वाला पर्सन वह है जो अपने अधीनस्थों या सुब्रीडिनेट्स को मार्गदर्शन और निर्देश देता है तथा उन प्रयासों को एक डायरेक्शन और पर्पस प्रोवाइड कराता है। सी आई बिनार्डे के अनुसार लीडरशिप इंडिविजुअल्स के बिहेवियर की वह क्वालिटी है जिसके द्वारा वे संगठित प्रयासों लोगों का अथवा उनकी क्रिया का मार्गदर्शन करते हैं। लीडरशिप इंडिविजुअल्स के बिहेवियर्स की क्वालिटी है जहाँ वे लोगों को या प्रयासों को व्यवस्थित करने में उनकी एक्टिविटीज़ का मार्गदर्शन करते हैं। कूटरेज और ओडोनेल के अनुसार लीडरशिप एक हाई ऑफिशियल की अपने अधीनस्थों या सुबर्डिनेट्स को आत्मविश्वास और उत्साह के साथ काम करने के लिए प्रेरित करने की योग्यता है। लीडरशिप आत्मविश्वास और जोश के साथ काम करने के लिए अधीनस्थ को प्रेरित करने के लिए एक श्रेष्ठ की क्षमता है। अब अपन बात करते हैं नीड्स फॉर लीडरशिप के बारे में। लीडरशिप किसी भी मैनेजमेंट का एक इंटीग्रल या अविभाज्य पार्ट है। लीडरशिप पर्सन के पास सुब्रीडिनेट्स या अधीनस्थों को लीड करने की एबिलिटी होनी चाहिए ताकि वे मैनेजमेंट के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कलेक्टिव इफेक्ट्स या सामूहिक प्रयासों को बढ़ा सके। लीडरशिप का इम्पोर्टेंस निम्नलिखित कार्यों में स्पष्ट है: डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज, अचीविंग ऑफ कोऑर्डिनेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कर्स, इंस्पायरिंग वर्कर्स। डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स या लक्ष्यों का निर्धारण के बारे में बात करें तो इसमें लीडर अपने अधीनस्थ के लिए गोल्स और पॉलिसीज निर्धारित करता है और एक गाइड के रूप में एक्ट करता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज या गतिविधियों का संगठन के बारे में बात करें तो इसमें लीडर एम्प्लॉयज के बीच ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज को ठीक से आयोजित करता है और उनके बीच के लीडरशिप को स्पष्ट करके उनके बीच संबंधों को निर्धारित करता है। अचीविंग ऑफ कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करें तो इसमें लीडर ग्रुप में वर्क करने वाले इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट का कोऑर्डिनेशन करता है। वह ग्रुप में किए जा रहे वर्क के बारे में जानकारी का आदान प्रदान करता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कर्स के बारे में बात करें तो इसमें लीडर अपने ग्रुप के लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। वह ग्रुप के व्यक्तियों के हितों के सभी कार्य करता है और फिजियोलॉजिकल आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास भी करता है। इंस्पायरिंग वर्कर्स के बारे में बात करें तो इसमें लीडर अपने सुबर्डिनेट्स के से अच्छा काम कराने के लिए प्रेरित करता है। वह उन्हें फाइनेंशियल या फाइनेंशियल मुआवजा देकर प्रेरित करता है। आइए इसी से जुड़ा अपना एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप? तो इसके ऑप्शन है डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज, अचीविंग ऑफ कोऑर्डिनेशन या ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। अब अपन बात करते हैं क्वालिटीज फॉर लीडरशिप या लीडरशिप के लिए योग्यताओं के बारे में। एक अच्छे लीडर में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं: इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस वैज्ञानिक रूप से सोचने और समस्याओं का सही विश्लेषण करने की मानसिक क्षमता होती है। एक अच्छे नेता में इंटेलेक्चुअल या बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए। इंटेग्रिटी और होनेस्टी के बारे में बात करें तो यह एक लीडर के पास इंटेग्रिटी इंटेग्रिटी और होनेस्टी का एक उच्च स्तर होना चाहिए ताकि वह अपने सुब्रीडेट्स को सच्चा और ईमानदार बना सके। विजन्स और फोरसाइट के बारे में बात करें तो इसमें लीडर में घटनाओं का अनुमान लगाने की क्षमता होनी चाहिए ताकि उन्हें उन समय पर नियंत्रित किया जा सके। बात करें मैच्योरिटी या परिपक्वता के बारे में तो इसमें एक अच्छे लीडर के पास सहनशीलता, मानसिक स्थिति और शांत स्वभाव का उचित स्तर होना चाहिए ताकि वह डिसीजन लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार कर सके। लिबरल या ओपन माइंडेड की बारे में बात करें तो इसमें एक अच्छे लीडर को टाइम और सिचुएशन के अनुसार डिसीजन लेना चाहिए। उसे नए आइडियाज़ को अपनाने और अपने डिसीजन को बदलने में संकोच नहीं करना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात करें तो इसमें एक अच्छा लीडर न केवल एक अच्छा बोलने वाला होना चाहिए बल्कि एक अच्छा सुनने वाला और एक सलाहकार भी होना चाहिए। उसे सही अपनी बातें समझाने की क्षमता होनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बात करें तो वह किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले लीडर को स्वयं पर विश्वास होना चाहिए और सुब्रीडिनेट्स को प्रेरित करने के लिए आत्मविश्वास आवश्यक होता है।
निर्णय के बारे में बात करें तो इसमें एक अच्छे लीडर को व्यक्तियों और कार्यों का प्रबंधन करते समय सही निर्णय लेने चाहिए। नेता में अच्छे निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए और अपने फैसले को बार बार नहीं बदलना चाहिए। एक्सेप्टेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करें तो इसमें लीडर को अपने कार्यों से जुड़े कर्तव्य और जिम्मेदारियों का ज्ञान होना चाहिए। उसे अपने काम की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करनी चाहिए। सामवेदना या एम्पैथी की बात करें तो इसमें लीडर को अपने सुबर्डिनेट्स की इच्छाओं जरूरतों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। निर्णय लेते समय उन्हें अपने सुबर्डिनेट्स की भावनाओं का भी ध्यान में रखना चाहिए। आइए इसी से जुड़े अपना एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द क्वालिटीज फॉर लीडरशिप? इसके ऑप्शन है मैच्योरिटी, एम्पैथी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। अब अपन बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट की प्रोसेस को 5 मेजर कार्यों में विभाजित किया जाता है जो परस्पर जुड़े हुए होते हैं। इसमें प्लानिंग क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन कार्य कैसे करना है, कौन करेगा, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोल, वर्क स्मूथली रूप से चल रहा है या नहीं। अपन बात करते हैं सबसे पहले प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा इत्यादि। प्लानिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भविष्य की कल्पना की जाती है और पूर्वानुमान लगाया जाता है। इसके लिए ऐसी योग्यता चाहिए जो कस्टमर की जरूरतों को समझे, क्योंकि कस्टमर की आवश्यकताओं के अनुसार भविष्य की कल्पना करना और भविष्यवाणी करना आसान होता है। ग्राहकों की आवश्यकता को समझने के बाद योजना बनाने से पहले यह तय किया जाता है कि एक निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए कैसे, किस समय और किस काम से किया जाना चाहिए। अब अपन बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट कार्यों को संदर्भित करता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन में कार्य सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योग्यता असेसमेंट एक ही प्रकार के छोटे कार्य सौंपे जाते हैं। कार्यों को समूहीकृत करना और कुशलता से और उत्साहपूर्वक अपने कार्यों को करने के लिए पर्याप्त अधिकार, सुविधा और संसाधन प्रदान करना। किसी भी उद्यम की सफलता और विफलता अच्छे ऑर्गेनाइजेशन पर निर्भर करती है, क्योंकि प्लानिंग द्वारा निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने की प्राप्ति की जा सकती है, जिसका सफल और प्रभावी कार्यान्वयन संगठन के माध्यम से होता है। संगठन बताता है कि इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किन गतिविधियों और किन संसाधनों की आवश्यकता होती है। स्टाफिंग के बारे में बात करें तो इसमें किसी भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट उस एंटरप्राइज के योग्य, प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मचारियों और अधिकारियों के समान प्रभावी और कुशल होगा। योग्य अधिकारियों और कर्मचारियों का चयन प्रभावी नियुक्तियों के माध्यम से किया जा सकता है। इसलिए नियुक्तियों का अर्थ है योजना के अनुसार कुशल और योग्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण, स्थानांतरण, पदोन्नति और विकास प्रदान करना। प्रभावी और कुशल अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को कम से कम लागत और सही समय पर प्राप्त किया जा सकता है। डायरेक्शन के बारे में बात करें तो इसमें डायरेक्शन अन्य लोगों को काम करने की कला है। इसलिए निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन व्यक्तियों के काम को सही दिशा में चलाने की प्रभावी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। यदि एक दूसरे को सही दिशा में निर्देशित करता है तो यह दोनों के लिए अच्छा होता है। इसलिए प्रबंधन में यदि अधिकारी अपने कर्मचारियों को सही तरीके से निर्देशित करता है कि उसे क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, तो यह उस संगठन के निर्धारण लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत मददगार होगा। इसलिए निर्देशन वाले लोगों के साथ काम करने की ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्रबंधन को द्वारा एक प्रभावी वातावरण तैयार किया जाता है और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को सही दिशा में निर्देशित करके उनकी सहायता की जाती है। कंट्रोल के बारे में बात करें तो कंट्रोल मैनेजमेंट की लास्ट स्टेज होती है जिसका मुख्य कार्य व्यावसायिक गतिविधि को कंट्रोल करना होता है और यह भी देखना है कि सभी कार्य नियोजन और सुचारू रूप से चल रहे हैं या नहीं, निर्धारित लक्ष्य हासिल किए जा रहे हैं या नहीं। कंट्रोल के मुख्य कार्य है प्रदर्शन मानक के मापदंडों को तैयार करना, वर्तमान कार्य कुशलता को मापना, वर्तमान कार्य कुशल की तुलना मानदंड द्वारा तैयार की गई कार्य कुशलता से करना और किसी भी प्रकार का अंतर होने पर उसे ठीक करना। आइए इसी से जुड़ा अपन एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी डिवाइडेड इन टू। तो इसके ऑप्शन है 4 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 5 पार्ट्स या 6 पार्ट्स। तो इसका सही आंसर होगा 5 पार्ट्स, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों कैसा लगा हमारे वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ लाइक करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।